दिल्ली पुलिस की नॉर्थ जिला पुलिस ने एक अजीबोगरीब एक बड़े मामले का खुलासा किया है, और इस मामले को देखने और सुनने के बाद आपसे भी यह अनुरोध करूंगा कि मामला तो क्राइम का है लेकिन इसको देखने और सुनने के बाद हंसना मना है। दरअसल रिशाद अली नाम के एक ऐसे आरोपी को कश्मीरी गेट थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जब उससे पूछताछ की गई और पूछताछ से जब इस मामले में उसके बारे में जाना गया तो पता चला कि वो पिछले काफ़ी समय से लूटपाट के मामले को अंजाम दे रहा था। जब उसका मकसद पता किया गया तो पता चला कि वो ईद के मौके के लिए वो एक बड़ा बकरा खरीदना चाहता था जिसके लिए हजारों रुपये की उसकी ज़रूरत थी, और इसीलिए वो पिछले कुछ समय से स्नैचिंग के मामले को अंजाम दे रहा था। और ख़ास तौर पर जो लाल किला और कश्मीर गेट का इलाका है इस जगह पर वो लूटपाट के मामले को अंजाम दे रहा था। इरशाद हालांकि वो दिल्ली के सिलमपुर इलाके का रहने वाला है लेकिन जिस तरह से पिछले काफ़ी समय से लूटपाट के मामलों को अंजाम दे रहा था इस मामले में विस्तार से पूछताछ की जा रही है। और उसी पूछताछ में दिल्ली पुलिस को ये भी जानकारी मिली कि जो उसके पास एक मोटरसाइकिल बाइक जो है बरामद किया गया है वो बाइक भी चोरी की थी। लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया है और एक तरह से कह सकते हैं इस मामले में आगे की तफ्तीश की जा रही है, पुलिस ये भी जानने का प्रयास कर रही है कि इसके साथ में और वो कौन कौन से शख्स हैं और कौन कौन से लोग हैं जो उसको मदद कर रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।